अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। दिलनशीन की शादी हैदर के साथ हो जाती है, ना ही आसमान फटता है और ना ही कोई सिलसिला आता है, सारे काम खैर खूबी हो जाते हैं। हालांकि दिलनशीन डर रही होती है हमजा के जज्बातीपन से, कहीं वो कोई उनका नुकसान ना पहुंचा दे और उसके वालदैन की रही सही इज्जत खाक में ना मिल जाए और उसकी माजी की कहानियां हैदर तक ना पहुंच जाएं। अगर उसके कानों तक उसकी माजी की कहानियां पहुंच गईं तो वो उसे घर से निकाल देगा। हैदर के घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसकी माँ तो सारी जिम्मेदारियाँ दिलनशीन के सपोर्ट कर देती है, लेकिन दिलनशीन का अपना दिल सूखे पत्ते की तरह लड़स रहा होता है। उसका दिमाग माउफ हो चुका होता है, उसने हमजा की कंडीशन देखी होती है और वो डर रही होती है कि आने वाले वक्त में भी वो उसे चैन और सुकून से नहीं रहने देगा। और फिर वाकई ही ऐसा होता है, हमजा सुकून से नहीं बैठता, वो दिलनशीन का पीछा करता है और हमजा को जल्द ही अंदाज़ा भी हो जाता है दिलनशीन खुश नहीं है। हालांकि दिलनशीन ना सिर्फ इस वजह से उदास होती है कि वो हमजा से छूट गया, दिलनशीन को पता होता है हमजा का पागलपन उसके घर में से किसी की जान ना ले ले।